सब्सक्राइब करिए एग्रीटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चरल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यार सरकार की एक योजना है जो 5 अगस्त से शुरू होने वाली है, जिसका नाम है इनसीटू योजना। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट दे रही है 80% तक अनुदान, वो भी कृषि यंत्रों के ऊपर। तो वीडियो में आज हम बात करेंगे इसी योजना के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है SK, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इनसीटू योजना यानी फसल अवशेष प्रबंधन योजना, ये योजना 2018 में गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट 50% व 80% तक का अनुदान देती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से यंत्र आते हैं जिन पे आपको लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाले यंत्र हैं SMS यानी सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो ट्रिल, श्रब मास्टर, पैडी स्ट्रा चॉपर, मल्चर, रोटरी स्लैसर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल MB प्लाउ, बेलर, क्रॉप रीपर, स्ट्रॉ रेक, रीपर कंबाइंडर। ये वो 13 यंत्र हैं जिनपे आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको पहले से टोकन बुकिंग करनी पड़ेगी, जो 5 अगस्त 2020 को रात 11 बजे से शुरू हो रहा है, जिसका पोर्टल है www.upagriculture.com। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगी, जहां से जाके आप अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं। टोकन जनरेट करने के लिए आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर या फिर अपने परिवार में किसी सगे का मोबाइल नंबर देना होगा, क्योंकि किसी डीलर या फिर किसी दूसरे का नंबर देने पर आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। टोकन जनरेट होने के बाद आपके मोबाइल पर SMS आएगा कि आपकी बुकिंग एक्सेप्ट कर ली गई है। अगर ऐसा SMS आपको आता है तो आपको अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा। बताए गए कृषि यंत्रों में से अगर आप किसी एक यंत्र को लेते हैं तो आपको उस पर 50% का अनुदान मिलेगा। और यदि आप फार्म मशीनरी बैंक या फिर कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत यंत्र लेते हैं तो इस पर आपको 80% तक अनुदान का लाभ मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको कम से कम 5 लाख का यंत्र या फिर अधिक से अधिक 15 लाख तक का यंत्र लेना पड़ेगा। इन यंत्रों को लेने के लिए गवर्नमेंट ने जमानत राशि का सिस्टम रखा है। जमानत राशि यानी गारंटी के तौर पर कुछ पैसा जो आपको अनुदान के साथ वापस कर दिया जाता है। जमानत राशि को सरकार ने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। पहली कैटेगरी है ऐसे यंत्र जिन पर 10,000 या 10,000 से कम का अनुदान है। ऐसे यंत्रों पर आपको जमानत राशि जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है 10,000 से अधिक या 1,00,000 से कम, जिस पर अनुदान है। ऐसे यंत्रों पर आपको 2,500 यानी 2,500 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। तीसरा है 1,00,000 से अधिक वाले अनुदान वाले यंत्र, 1,00,000 से अधिक जिस पर अनुदान है उस पर आपको 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। जमानत राशि चालान के माध्यम से आप अपने नज़दीकी यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा करा सकते हैं। तो ये थी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो से जुड़ी कोई शिकायत, सवाल या फिर जानकारी है जो आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।